नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था सैटरिक एसिड के बारे में या सैट्रिक एसिड के बारे में, जिसे आप बोल सकते हो। तो कुछ लोग उसमें कंफ्यूज थे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों आप लोग को ये ना पता हो कि मेरा जो प्रोनाउंस है थोड़ा सा ख़राब है। तो सैट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये हो सकता है बोलने में थोड़ी आप मुझे गलती है, लेकिन वो दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग होता है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने सैटरिक एसिड के बारे में ही बताया था, सिट्रिक एसिड के बारे में नहीं बताया था। आज का वीडियो जो है सिट्रिक एसिड के बारे में है, सैटरिक एसिड के बारे में नहीं है। तो इसके बारे में कन्फ्यूज़ ना होइए कि मैं गलत बता रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो दोस्तों प्रोनाउंस थोड़ी ख़राब होने की वजह से वो आपको सिट्रिक समझ में आया होगा, बट ये ऐसा नहीं है, वो सैट्रिक ही है। और मेरी प्रोनाउंस जो है थोड़ी गलत होने की वजह से आप कन्फ्यूज़ हैं, तो उस कन्फ्यूज़न में मत रहिए। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो सैट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि सैट्रिक एसिड होता क्या है, उसका यूजेस क्या क्या होता है, उसे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और उससे बेनिफिट क्या मिलती है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इवनिंग में आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी किसी एक प्रोडक्ट्स के बारे में, और मॉर्निंग में आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी जो कि केवल और केवल आपके इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों आज जो बात करेंगे सैट्रिक एसिड के बारे में, ये सैट्रिक एसिड जो होता है एक कार्बनिक अम्ल होता है, जो कि जितने भी खट्टे प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में खाने वाले, जैसे नींबू हो गए और संतरे हो गए, इन सभी में आपको सैट्रिक एसिड की मात्रा मिलती है। सैट्रिक एसिड केवल इसी में नहीं मिलता है, कुछ सिंथेटिक चीज़ों से बनाया भी जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि फूड प्रोडक्ट्स और कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स दोनों में पाया जाता है सैट्रिक एसिड। बात कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कहाँ पे किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों सैट्रिक एसिड जो होता है वो जैम्स में, जेलीन में, कैंडी में और जितने भी जमे हुए खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। उसका मेन यूज़ करने का प्रोडक्ट का ये कारण होता है कि ये सैट्रिक एसिड जो है एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे आपके भोजन को या आपके कैंडी को बहुत दिन तक चलाने में काम आता है, और साथ ही ये उसका स्वाद को बढ़ाता भी है। सैट्रिक एसिड दोस्तों आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जिससे आपका एसिड का जो बैलेंस होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, उसका मेंटेन रहता है। सैट्रिक एसिड का जो उपयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसलिए किया जाता है कि आपका जो है कॉस्मेटिक का पीएच लेवल 5.5 तक रखना होता है, और ये उसको मेंटेन करके रखने का काम सैट्रिक एसिड ही करता है। सैट्रिक एसिड जो है शैम्पू में ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। शैम्पू के पीएच वैल्यू को 5.5 तक रखने के लिए सैट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। सैट्रिक एसिड यूज़ करने के बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आपके बालों में चमक आता है और आपके बाल जो है कुछ चिकना महसूस करते हैं, जिस तरह आपको लगेगा कि आपने कुछ कंडीशनर का यूज़ कर रखा है इसमें, ये काम जो है सैट्रिक एसिड करता है। बाकी सैट्रिक एसिड केवल पीएच मेंटेन करने के लिए होता है, दूसरा इसका कुछ और काम नहीं होता है, और कुछ जगह पर ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो दोस्तों ये तो रही सैट्रिक एसिड की बातें। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।